मैं आज एक्स सरपंच जोगिंदर शर्मा कोटली मगैनी यहाँ पे आज ये लोगों का जो डेप्रेशन जहाँ पे इकट्ठा हुआ है कोटली मगैनी का, ये एक हुआ कि जो हमारे यहाँ पे कोटली में एक डिस्पेंसरी खुली गई है जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, इसके मसले में हुआ है। और इस मसले में क्या है कि डिस्पेंसरी को एक डिपार्टमेंट की तरफ से शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह, दूसरे गाँव में। हमारा ये गाँव है कोटली पाई, यहाँ से 7-8 साल हो गए इस डिस्पेंसरी को खुले हुए और लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी, लेकिन बीच में कुछ हमारे कुछ अफसर ने जो ADMO साहब थे उन्होंने कुछ एक लेटर लिखा मुझे दिया, क्योंकि मैं इसका बिल्डिंग का ऑनर हूँ, मैं ऑनर हूँ। उन्होंने मुझे 2-3 महीने पहले दिया था कि भाई हमने रिक्वायरमेंट है 4 कमरे और 2 बाथरूम चाहिए। तो शिफ्टिंग का मुझे नहीं पता था कि ये शिफ्टिंग भी करेंगे, इसका मैं बिल्कुल टोटली अननाउन हूँ। तो इन्होंने जब मुझे बोला था तो तब हमने ठीक है करते हैं अरेंजमेंट, हमने लुक आफ्टर किया हर जगह। तो जब कल शिफ्ट करने लगे तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए जहाँ पे, भाई आप शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, हमें किस चीज़ का पता नहीं है। मैं ऑनर था इस डिस्पेंसरी का, तो मेरा तो फर्ज नहीं बनता था कि मैं लोगों को बताऊं भाई शिफ्ट हो रही है, लोगों को खुद पता चला कि ये शिफ्ट कर रहे हैं। इस मसले में तो लोगों ने रुकाया, बात की और ADMO साहब से भी बात हुई, तो यहाँ मैडम जो डॉक्टर हैं मैडम हैं इनसे भी बात हुई, तो इन्होंने बोला कि 2-4 दिन आपको दे देते हैं, 2-4 दिन में आप अरेंज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो हमने इनके जो डिपार्टमेंट के कसरने डिपार्टमेंट के बंदे इन्होंने भेजे, हमारे गांव के लोग जो मौजूद आदमी सारे साथ में गए, 7-8 जगह, 7-8 बिल्डिंगें हमने कोटलीपा में इनको बताई कि जो जो इनकी रिक्वायरमेंटें थी एज बाथरूम 4 कमरे, जो ये गार्डन बनाना चाहते हैं इसी सराउंडिंग एरिया में, हमने 4 मतलब इनको बिल्डिंगें 6-7 बता दी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जे अगर बताई हैं तो आप वहाँ पे खोलें, क्योंकि गांव ये कोटली गांव से डिस्पेंसरी ना उठाई जाए, शिफ्ट ना की जाए, यहीं पे रहे और जहाँ खुली है लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इस बेस में हम चाहते हैं कि अभी फिर भी हमने सुना है कि ये शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह दूसरे गाँव में, तो हम चाहते हैं जिस गाँव में खुली है वहीं रहनी चाहिए। और ये हमारी डिपार्टमेंट से भी अपील करता हूँ, मैं ADMO डिपार्टमेंट से भी अपील करता हूँ और DC मैडम से भी अपील करता हूँ कि लोगों की बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इस डिस्पेंसरी को कोटली पाई में रखा जाए। और दूसरा नंबर जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो हमने फुलफिल की हुई है, हम गांव वालों ने पूरी मीटिंग की है, हम उनकी फुलफिल कर दी है, जगह भी लोकेट कर दी है, बस इन्होंने शिफ्ट करना है वहां पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली शर्मा, मेडिकल ऑफिसर आयुष विभाग, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कोटली मगैनी। कुछ महीने पहले हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर आया था कि जो हमारी डिस्पेंसरी है इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया जाए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने के लिए हमें कम से कम 4 या 5 कमरे, 2 बाथरूम, मेल एंड फीमेल सेपरेट बाथरूम्स, योगा हॉल और एक हर्बल गार्डन की स्पेस ज़रूरत थी। उसके लिए यहाँ पे स्पेस कम थी, मैंने लैंड ओनर को चिट्ठी लिखी थी कि आप हमें 4 या 5 कमरे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दीजिए, 2 बाथरूम्स प्रोवाइड कर दीजिए। और मैंने ये भी मेंशन किया था उस चिट्ठी में कि आप 3 दिन के अंदर मुझे रिटर्न में रिस्पॉन्ड करें कि अगर आपके पास जगह है या नहीं है। अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं किसी और सूटेबल जगह पर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि PRI मेम्बर्स के साथ कंसल्ट करके आप अदरवाइज़ शिफ्ट कर दें अगर लैंड ओनर आपको जगह नहीं देते। फिर मैंने सरपंच से बात की, PRI मेंबर्स में हमारे सरपंच आते हैं, उन्होंने यहाँ के पंच से भी बात की थी, पंच ने यहाँ पे बोला यहाँ पे लोगों के अपने घर हैं, सूटेबल प्लेस नहीं है। जो हमारी डिस्पेंसरी सैंक्शनड है वो